हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर गाइड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2023 का, आगे किस तरह से ये प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में ये अपडेट है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग अभी FY में मुंबई यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो गाइड्स देखिए, आप सभी को पता है यहाँ पे जो पहला अपना टाइम टेबल आया था जिसमें आपको एडमिशन के लिए जो प्री रजिस्ट्रेशन करने का था उसका डेट 12th ऑफ जून दिया था। उसके बाद ये गाइस थोड़ा डेट एक्सटेंड करके 15th ऑफ जून तक कर दिया था। तो ये कल अभी ये डेट गाइस यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सेल ऑफ एडमिशन फॉर्म, इसका जो लास्ट डेट था ये 15 जून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी इसके बाद गाइस क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने वाला है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट गाइस आप लोग का 19 जून को लगने वाला है सुबह 11 बजे। तो इसके बाद गाइस आप लोग को 20 से लेकर 27 जून तक अपने को यहाँ पे जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है वहाँ पे एडमिशन कंफर्म करने का है। सेम सेकेंड मेरिट लिस्ट गाइस आपका 28 जून को लगेगा एंड थर्ड मेरिट लिस्ट 6th ऑफ जुलाई को लगने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन तो गाइस आपके पास पहले ही पहुँच चुका रहेगा, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट ये है कि कुछ बच्चों का अभी तक यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन मतलब इनरोलमेंट हुआ ही नहीं है, तो अभी फिर से ये ओपन होगा या नहीं होगा। तो देखिए गाइस ये टोटली यूनिवर्सिटी का डिसीजन रहता है, कभी कभी ये फिर से ओपन हो जाता है और कभी कभी नहीं भी हो जाता है। तो अभी देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी इसके लिए क्या स्टैंड लेती है। ये शायद फर्स्ट मेरिट लिस्ट तक तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि ये फिर से ओपन होने वाला है या नहीं। सेकेंड थिंग गाइस यहाँ पे ये है कि अपने को अगर थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, मतलब अगर हम लोग ने जिस कॉलेजेस में फॉर्म भरे हैं वहाँ पे हमारा नाम नहीं आ रहा है तो क्या होगा। तो गाइस इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फोर्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट नॉर्मली लगती है क्योंकि जिन कॉलेजेस में सीट्स एम्प्टी रहती है तो यूनिवर्सिटी फिर से नए लिस्ट यहाँ पे ओपन करती है। तो अगर आपको थर्ड मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आ रहा है तो इतना टेंशन मत लीजिए, आप लोग फोर्थ फिफ्थ के लिए वेट कर सकते हो। एंड उतना तो चेंजेस हो ही जाते हैं, हर साल होते हैं तो इस साल भी हो ही जाएंगे क्योंकि कुछ कॉलेजेस के सीट्स एम्प्टी रहते हैं। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा। फर्स्ट थिंग कि आपका ये जो प्री रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट है ये फिर से ओपन हो सकता है या नहीं भी, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एंड सेकंड थिंग, जिन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो अपना फोर्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट का भी वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आज का अपडेट था। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।